स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक फार्मूलों से। कुछ फार्मूले हैं, इसको लॉग एन की पावर के टू द बेस ए इक्वल टू के इंटू लॉग एन टू द बेस ए, इसका प्रूफ। अब एन को यहाँ पे ए की पावर वाई रख दो, ये है एलएचएस, ये है आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, हमारा डेरिवेशन हो गया। एलएचएस सॉल्व करते हैं, एलएचएस जब हमने एन को ए की पावर वाई रख दिया तो ये क्या बन जाता है, एलएचएस की वैल्यू क्या हो जाती है, लॉग ए, एन को हमने ए की पावर वाई रखा, एन को हमने ए की पावर वाई रखा, ये हो गया वाई के, इसको मानते हैं टी, ए की पावर वाई के इक्वल टू ए की पावर टी, ए की पावर वाई के इक्वल टू ए की पावर टी टी। तो टी की वैल्यू कहाँ क्या आ जाती है, वाई के, मतलब एलएचएस क्या आ गया, वाई के। आरएचएस क्या है, आरएचएस है के इंटू लॉग ए लॉग एन टू द बेस ए। तो एन की वैल्यू यहाँ पे वाई के रखेंगे, एन की वैल्यू क्या रखेंगे, ए की पावर वाई रख सकते हैं, क्योंकि ये ए की पावर कुछ करने पर ही तो एन आया होगा, इसलिए इसको ए की पावर वाई रख देते हैं। तो फिर ए की पावर वाई रखने पे सिर्फ इतना देखते हैं, इतना ये क्या बन जाता है, लॉग ए की पावर वाई टू द बेस ए, इतने को हम मान लेते हैं एम, ए की पावर वाई इक्वल टू ए की पावर एम, एम इक्वल टू वाई। तो इतनी चीज हो जाती, एम की वैल्यू क्या आ जाती है, वाई, एम की वैल्यू क्या आती है, वाई। तो यहाँ पे हम इस वाई को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि इसको ही तो हमने एन माना था। तो फिर आरएचएस की वैल्यू क्या आ जाती है, आरएचएस क्या आता है, के इंटू लॉग एन टू द बेस ए क्या आया है, एम, एम क्या है, वाई है। तो आरएचएस क्या है, वाई। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये बन जाता है के वाई। तो हेंस प्रूव्ड, ये वाला फॉर्मूला प्रूव्ड हुआ, लॉग एन की पावर के टू द बेस ए इक्वल टू, जो यहाँ पे पावर रहती है वो बगल में आ जाती है के इंटू लॉग एन टू द बेस ए। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, अगर के टू होता है और एन मान लो कोई वेरिएबल है, तो ये हो जाता है टू लॉग मॉड एन टू द बेस ए, ये पहले भी मैंने बताया है। अगली चीज है लॉग एन टू द बेस ए की पावर के इक्वल टू वन बाई के लॉग एन टू द बेस ए। यहाँ पे के जो है एज इट इज जैसा है वैसे ही यहाँ पे आ जाता है, बट अगर बेस में पावर के किया जाएगा तो बेस में जब बेस बाहर आएगा, बेस का पावर बाहर आएगा, तो वन बाई के हो गया, हो जाएगा। इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसको भी वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। क्या है, फिर से हम क्या मानते हैं, अब यहाँ पर हम फिर से वही मानेंगे, फिर से हम मानेंगे एन को क्या मान लेंगे, जो हमने माना है ए की पावर वाई, ए की पावर वाई माना, फिर से वही करेंगे, एलएचएस ये है, आरएचएस ये है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हमारा डेरिवेशन हो गया। अब क्या करेंगे, लॉग यहाँ पे पुट कर देते हैं एन की वैल्यू ए की पावर के, और एन को क्या लिखेंगे, ए की पावर वाई, इसको मान लेंगे टी, ए की पावर वाई इक्वल टू ए की पावर के की पावर टी। तो के टी आ जाता है वाई, के टी आता है वाई, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई बाई के, ये हो गया एलएचएस। इसको ही तो हमने टी माना था, इस पूरे को हमने टी माना था, और ये क्या है, एलएचएस, क्योंकि ए की पावर वाई को, एन को हमने ए की पावर वाई रख दिया। तो टी की वैल्यू आ गई यहाँ से, फिर अगले में भी ऐसे करेंगे, तो वहाँ से जब यहाँ पे एन की वैल्यू रखेंगे ए की पावर वाई, ये होल बन जाएगा वाई, तो आरएचएस भी आ जाएगा क्या, टी इक्वल टू वाई बाई के, ये भी आरएचएस आएगा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, फिर से हमारा प्रूव हो गया।
अगला फॉर्मूला है लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू एम एन लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए। मतलब कि जब बेस सेम है तो जो जिसका लॉग लिया जा रहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है। बेस सेम होने से अगर बेस सेम है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, लॉग एम एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए। कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो इसकी रेंज मैंने बताई थी एम क्या क्या हो सकता है तभी ऐसा लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। फिर उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, एम को मान लेते हैं ए की पावर एक्स, एन को मान लेते हैं ए की पावर वाई। आरएचएस क्या हो जाएगा, लॉग एम को रख दो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई टू द बेस ए, लॉग ए की पावर एक्स प्लस वाई। पहले हमने जाना था कि पावर बगल में आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर बगल में आ जाएगी और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई लॉग ए टू द बेस ए, और एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ए टू द बेस ए क्या हो जाएगा वन। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई, ये हो गया आर एच एस। एल एच एस क्या हो जाएगा, ए एम को हम रखेंगे लॉग ए की पावर एक्स, एम को रखेंगे ए की पावर एक्स तो प्लस लॉग ए, एन को रखेंगे ए की पावर वाई। ये हो गया एक्स, पिछला फार्मूला क्या था, एक्स जो एक पावर होता है वो बगल में आ जाता है, एक्स इंटू लॉग ए ए प्लस वाई इंटू लॉग ए टू द बेस ए, एक्स इंटू वन प्लस वाई इंटू वन इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये भी प्रूव हो गया। फोर्थ फार्मूला है इसका माइनस है, लॉग ए माइनस लॉग एन टू द बेस, लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग एम टू द बेस ए प्लस माइनस वन लॉग ए एन टू द बेस ए, माइनस ये प्लस माइनस वन लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो इसलिए प्लस भी लिख सकते हैं। और ये माइनस वन क्या, पहले क्या था, हमने क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था कि ये जो पावर होता है यहाँ पे इधर आ जाता है, ये उल्टा भी हो सकता है, यहाँ से चीज़ पावर में भी जा सकती है। तो हो गया लॉग ए एम टू द बेस ए प्लस लॉग ए एन क्या हो जाएगा, एन की पावर माइनस वन, वन बाई एन। अब प्लस हो गया तो मल्टीप्लिकेशन कर दो पिछले फार्मूले से, लॉग एम इंटू वन बाई एन एम बाई एन, ये हो गया निगेटिव करने पर ये आता है, ये वाला फार्मूला। जब हम निगेटिव करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, और जब पॉजिटिव करते हैं मतलब दोनों को जोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, अपॉन लॉग ए एन इसको कर देते हैं डिवाइड हुआ तो इसको घटा देते हैं डायरेक्ट, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो ये चार फार्मूले, और अगला फार्मूला है बेस चेंजिंग थ्योरम। ये है बेस चेंजिंग फार्मूला या थ्योरम बोल सकते हैं। तो ये है लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ बी टू द बेस सी अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस सी या कोई अनदर नंबर, मतलब तीसरे नंबर का लॉग का डिवाइस। ये है फार्मूला, इसका डेरिवेशन नेक्स्ट में एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या जाना, इसका डेरिवेशन अगले पार्ट में, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। कौन कौन से हमने फार्मूले जाने, पहला था लॉग ऑफ एन की पावर के टू द बेस ए इक्वल टू के लॉग ऑफ एन टू द बेस ए, दूसरा था लॉग ऑफ ए की पावर के बेस ऑफ एन, लॉग ऑफ एन टू द बेस ए की पावर के इक्वल टू वन बाई के लॉग ऑफ
एन टू द बेस ए, थर्ड था लॉग ऑफ एन टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एम टू द बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ ए एम एन, चौथा था लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ एम टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ एम बाई एन टू द बेस ए। ये चार फॉर्मूले। पांचवा था बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम इसका डेरिवेशन नेक्स्ट में। लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ बी टू द बेस सी अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस सी। ये यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके करते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियोज में, और प्रॉब्लम्स भी आएंगी। थैंक यू।